नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नौमी तिथि या अष्टमी तिथि किस तिथि को हमें माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार के सामान में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जरूर चढ़ानी चाहिए तथा एक ऐसी चीज है जो हम लोग माता रानी को अवश्य ही चढ़ाए, और नवरात्रि में जो हम लोग श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पण करते हैं उस श्रृंगार के सामान को हम लोगों को क्या करना चाहिए, किसी को दान दे देना चाहिए या खुद ही रख लेना चाहिए तथा श्रृंगार का जो सामान माता रानी को चढ़ाते हैं वो श्रृंगार का सामान हम लोग घर पे चढ़ाएं या मंदिर में चढ़ाएं। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि को हम लोगों को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए माता रानी को। तो आपको बता दें कि कुछ लोग जो लोग घट स्थापना यानी कलश स्थापना जो करते हैं माता रानी को अपने घर में विराजमान जवारे होते हैं, सभी लोगों के यहाँ अलग अलग बोला जाता है। वो बोने वाले लोगों को सबसे पहले दिन जो माता की स्थापना करते हैं अपने घर पे उनको पहले ही दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको अष्टमी तिथि को श्रृंगार का सामान चढ़ा देना चाहिए। अगर वो नहीं चढ़ा पाते अष्टमी को तो वो नौमी को भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कब हम लोगों को श्रृंगार चढ़ाना है, श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाना है। जो लोग घट स्थापना करते हैं वो लोग प्रथम दिन माता रानी को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, जो लोग घट स्थापना नहीं करते हैं वो लोग अष्टमी को या नौमी को चढ़ाएंगे। हो गई ना बात, आ गई समझ में। अब बात करते हैं कि श्रृंगार के सामान को हम लोग कहाँ चढ़ाएं, मंदिर में चढ़ाएं कि घर पे चढ़ाएं। तो आपको बता दें श्रृंगार का सामान हमें डबल चढ़ाना चाहिए। अगर हम लोग अपने लिए भी ले रहे हैं थोड़ा वो श्रृंगार का सामान, वैसे भी अगर हम लोगों को घर में नहीं चढ़ाना, आपको सीधा बता दें हम लोगों को श्रृंगार का सामान घर में नहीं चढ़ाना है। जो सामान हम लोग अपने लिए लेके आए हैं, कुछ चीजें जो होती हैं हम लोग नहीं रखते हैं कि नवरात्रि में पहनेंगे, वो चीजें हम लोगों को घर में चढ़ानी है और जो चीजें हम लोगों को दान करनी है वो हम मंदिर में चढ़ाएंगे जाके, ठीक है दोस्तों। और हम लोग मंदिर में जो चीजें चढ़ाते हैं, कुछ चीजें जो हम चढ़ा के हम लोग अपने लिए नहीं लाए हैं, मतलब सारी चीजें दान करने के लिए लाए हैं, तो दोस्तों सारी चीजें मंदिर में चढ़ा देते हैं तो वहां पुजारी जी आपको वो सामान उठा के जितना भी दे दे वो आपको लेके आना है, उन्हीं का उपयोग करना है। बात आ गई समझ में कि हम लोगों को श्रृंगार का सामान मंदिर में चढ़ाना है। अब बात करते हैं कि श्रृंगार के सामान में हमें क्या क्या सामान चढ़ाना चाहिए, और एक वो सामान भी बताऊंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि ये बहुत जरूरी है, आप लोग अवश्य माता की पूजा में इसको जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें श्रृंगार के सामान में सबसे पहले तो हम लोग ऐसी लाल चुनरी, मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे मैं तो साड़ी ही चढ़ा रही हूँ माता रानी को श्रृंगार के सामान में, तो ये मैं खुद पहनूंगी तो इसको मैं घर पे ही चढ़ाऊंगी। घर पे अपनी माता रानी को मैंने नई लाके रखी थी पहनने के लिए, तो वो मैं माता रानी को कोई भी नया सामान हो, वैसे भी प्रतिदिन अगर हम कोई भी सामान लाते हैं, पुराने जमाने में आप लोगों को मेरी दादी थी, मुझे इतना ज्ञान अपनी दादी से ही मिला है। मेरी दादी बहुत पूजा करती थी, उनकी क्या आदत थी, वो शुरू से ही कोई कपड़ा नया हम लोग पहनते थे कहती थी जाओ भगवान के पैर चुके आओ, कोई कपड़ा पहनने से पहले कहेंगी भगवान को छुबा के ही पहनो, पहनने के बाद नया कपड़ा कहेंगी भगवान के पैर छुओ। तो ये सब चीजें हम लोगों को प्रतिदिन करनी चाहिए, हर चीजों को, जिससे हमें वो जो वस्त्र हम पहनते हैं उनका अच्छा परिणाम मिले, है ना। वस्त्रों से ही तो हम लोगों को इफेक्ट पड़ता है पूरा। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि सबसे पहले हम लोगों को कोई भी सामान है भगवान को चढ़ा के ही पहनना चाहिए। नवरात्रि के लिए अगर हम कोई नई साड़ी नई सामग्री रखे हैं श्रृंगार की तो वो हम लोग भगवान को पहले चढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम अपने पहनने के लिए लाए थे तो मैं सबसे पहले भगवान को चढ़ाऊंगी, और पायल बिछिया चूड़ियां जो होती हैं वो हम लोग प्रतिदिन भी अगर हम बदलते हैं, प्रतिदिन तो कोई नहीं बदलता लेकिन जब भी बदलते हैं तो कहा जाता है पहले भगवान को छुवा दो, भगवान को छुवा के ही पहनो। तो समझ में आ गई बात,
आप लोगों को जो अपने पहनने का सामान है वो आप लोग पहले भगवान को माता रानी का आशीर्वाद लेंगे फिर पहनेंगे, पहनने के बाद फिर माता रानी का आशीर्वाद लें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सामान में क्या क्या चढ़ाना है, काजल आप लोगों को अवश्य चढ़ाना है, चूड़ी बिंदी मावर काजल और जितना बन सके लिपस्टिक सीसा कंगा और पायल बिछिया जितना आप लोग कर सकते हैं। बिछिया पायल हम मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही कर दें, आपको कोई ये नहीं कहता है कि भारी मतलब बहुत ही महंगा ही सामान करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि चाहे छोटा करो अगर आप कर सकते हैं तो छोटा करो, लेकिन सोने चांदी का सामान अवश्य करें, जैसे सोने की नाक की कील हो गई नोज पिन हो गया तो वो आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए मैं ये चढ़ाती हूँ, ये मैं दान करने के लिए लाई हूँ तथा अपने पहनने के लिए भी मैं माता रानी हूँ। मैं देखो इतने छोटे छोटे पाँव की बिछिया लेके आई हूँ जो मैं दान करने के लिए, तो ये मैं माता रानी को चढ़ाई हूँ। और चूड़ी है और बालों का है तो सिंगार का सामान है जो भी है, काजल हमको अवश्य चढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अब बताती हूँ एक वो सबसे जरूरी चीज जो हम लोगों को जरूर ही माता रानी को चढ़ानी चाहिए, सबसे जरूरी चीज आप लोगों को बता दें ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये आप लोगों को ये इत्र की सीसी है, इत्र की सीसी आप लोगों को नवरात्रि में अवश्य ही दान करनी चाहिए, माता के श्रृंगार में ये अवश्य ही दान करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। समझ में आ गई दोस्तों जो बात मैं कर रही थी ना, नवरात्रि महाअष्टमी को आप लोगों को चढ़ाना चाहिए तो उसमें इत्र आप लोगों को माता रानी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इत्र से माता रानी हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, माता रानी बहुत ही कृपा करती है, बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दोस्तों आपको इत्र का दान अवश्य ही करना है। आप लोगों को बात समझ में आ गई दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो में छोटा सा जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद।